जय हिंद एवरीवन। जैसे हम सबके एसएसबी आती है, सबसे पहले हम सोचते हैं कि व्हाट आर द ऑफिसर्स दैट क्वालिटी जो हमारे अंदर होनी चाहिए बेसिकली। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पहले ना जो अपना लाइक वर्ड है वो हटा दीजिए, हमेशा फोकस रहिए ऑफिसर्स क्वालिटी पर, क्योंकि हम बनने जाएंगे एक ऑफिसर जहाँ पर हमें लाइक वर्ड नहीं चलेगा। तो इट्स लाइक वो असेसर जब हम एसएसबी देने जाते हैं तो वो हमारे अंदर क्या देखता है, वो हमारे अंदर क्या असेस करता है, क्या वो देखता है कि हम उस क्वालिटीज में फिट होते हैं या नहीं। तो आज हम वो ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी के अंदर वो डिवाइडेड होती है 4 पार्ट्स में। पहला पार्ट इज प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, सेकेंड पार्ट इज सोशल एडजस्टमेंट, थर्ड पार्ट इज सोशल इफेक्टिवनेस एंड द फोर्थ पार्ट इज डायनेमिज्म। जो ये फैक्टर्स है वो सब पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो कवर करते हैं पूरी 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी। जब हम मैसेज भी देने जाते हैं असेसर चेक कर लेता है हमारे अंदर। तो लेट्स डिस्कस अबाउट अ फर्स्ट फैक्टर, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। तो जैसे वी आर लुकिंग ऑफ कि पहला फैक्टर है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सब डिवाइड होता है बहुत सारे पार्ट्स में। उसका पहला पार्ट इज इफेक्टिव इंटेलिजेंस। अब व्हाट इज इफेक्टिव इंटेलिजेंस एंड व्हाट इज इंटेलिजेंस, क्या दोनों सिमिलर है या दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, ये सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इन स्कूल, लाइक हम सब जाते होंगे तो जिससे हम डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे कि इफेक्टिव इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस है। तो हम स्कूल जाते थे, स्कूल में हमें कुछ टास्क दिया जाता था जिसमें हमें कभी कभी कुछ बच्चे होते थे ना जो बहुत जल्दी याद कर लेते थे और कुछ बहुत लेट। तो जो जल्दी याद कर लेता था हम हमेशा उसको बोलते थे यार कितना जल्दी याद कर लिया इसने, कितना इंटेलिजेंट है वो। तो व्हाट इज इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस इज बेसिकली एबिलिटी टू लर्न एंड समवॉट जो हमने याद करा हुआ है उसको कैसे यूज करना है, दैट्स ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये इंटेलिजेंस हुआ तो ये इफेक्टिव इंटेलिजेंस क्या आ जाता है जो असेसर हमारे अंदर देखना चाह रहा है, ये तो कुछ अलग चीज़ हो जाएगी ना। तो इफेक्टिव इंटेलिजेंस इज हमारे पास एक पर्टिकुलर रिसोर्सेज दी हुई होगी, ठीक है, उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके हम कैसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, वो होता है इफेक्टिव इंटेलिजेंस। कैसे इफेक्टिवली हम उस चीज़ को हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब असेसर की नीड्स क्या होती है इसके अंदर हम वो देखते हैं, ठीक है। असेसर पहले, सबसे पहले असेसर देखना चाहता है कि क्या हम हमारी डे टू डे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती है क्या हम उसको सॉल्व कर पाते हैं। नाउ सॉल्विंग इज नॉट द इम्पॉर्टेंट पार्ट, ओके, सॉल्व करने के साथ साथ क्या हम उस सिचुएशन से कोप अप कर पाते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ऐसा तो नहीं हम उस सदमे में बैठे हैं कि नहीं यार वो प्रॉब्लम आई थी, सॉल्व करने के बाद भी हम 50 दिन से वही एक बात को याद करें कि नहीं यार वो प्रॉब्लम थी वो। सो कोपिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब असेसर कैसे चेक करता है इस चीज़ को, जैसे हमारे इफेक्टिव इंटेलिजेंस में हमारे दो टेस्ट होते हैं। फर्स्ट टेस्ट होता है वर्बल रीजनिंग का, सेकेंड टेस्ट होता है नॉन वर्बल रीजनिंग का। आपने सुना होगा कि बहुत बार सुना होगा कि यार कोई जैसे इलाहाबाद या कोई भी जा रहा है, अलग अलग जैसे इलाहाबाद जा रहे हैं, भोपाल जा रहे हैं, बैंगलोर जा रहे हैं, गांधीनगर जा रहे हैं, तो घुसने से पहले एक सेक्शन होता है यार वो क्या हो गया, स्क्रीन इन हो गया या स्क्रीन आउट हो गया। तो वो कैसे डिसाइड करता है असेसर, वो चेक होता है ये जो हमारा वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग होता है ना उससे। अब वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग में हमें कुछ सॉर्ट ऑफ टाइम दिया जाता है, एट एन एवरेज ऑफ हम लेके चलते हैं फॉर अ गुड स्पीड कि वो हमें 20 से 25 मिनट देता है। ये टाइम ज़्यादा भी हो सकता है और ये टाइम कम भी हो सकता है, इसलिए मैंने कहा कि हम एक एवरेज टाइम लेके चल रहे हैं बीच का, ना ज़्यादा ना कम, इतने आपकी स्पीड होनी चाहिए। अब इसमें आपको दो सेट दिए जाएंगे, पहला सेट होगा वर्बल का, दूसरा सेट होगा नॉन वर्बल का। ये एक्सचेंज भी हो सकते हैं, या तो पहला नॉन वर्बल या दूसरा वर्बल। अब हर सेट में आपको 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए होंगे जो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये असेसर चेक करता है। सेकेंड पार्ट इज रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी में क्या होता है, असेसर हमारी तीन चीज़ें देखता है। हमने यूजुअली CID वगैरह बहुत देखा हुआ, उसमें ACP प्रद्युमन देखा। हमारी कुछ तीन क्वालिटीज़ होते हैं जो असेसर हमें देखना चाहता है। फर्स्ट इज ऑब्जर्विंग क्वालिटी, ठीक है। सेकेंड इज इंक्वायरी, वेदर वी आर लाइक हमारे अंदर वो उत्सुकता है कुछ जानने की या हम ऐसे ही बैठे हैं। तो क्यूरोसिटी जो एक असेसर हमें चेक करता है फॉर लाइक लुकिंग अप फॉर न्यू थिंग्स, क्या हम उस चीज़ के लिए उतना एक्साइटेड इनफ है या नहीं है। तो थर्ड क्वालिटी इज लॉजिकल थिंकिंग। तो लॉजिकल थिंकिंग जो वर्बल मैंने नॉन वर्बल आपको समझाया था वो,
अब मेन चीज याद रखना, जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इन क्वालिटीज को लेके, हर क्वालिटी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहेगी, कुछ भी अलग नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। तो एसएसआर आपका इंटरेस्ट चेक करना चाहता है इन शॉर्ट इसमें। थर्ड क्वालिटी इज योर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। अब ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी इज वेरी मच ईजियर, आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत होता होगा, आपकी मम्मी होगी। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या करते हैं हम पहले, क्या हमेशा सोचते हैं अरेंज करना, हमारे दिमाग में सबसे पहले वर्ड आता है किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना मतलब अरेंज करना। अब अरेंज कैसे करते हैं हम, सिस्टमैटिक तरीके से, है ना, किसी चीज को अरेंज करना उसको सिस्टमैटिक तरीके से। तो इसको हम अब थोड़ी थोड़ी अच्छी लैंग्वेज में समझते हैं, जैसे अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, क्योंकि हम फौज में ऑफिसर बनने वाले हैं तो वहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर रिसोर्सेज दी होगी जिसका यूज़ करके हमें हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेस एंड यूजिंग देम इन अ सिस्टमेटिक मैनर टू सॉल्व आर प्रॉब्लम्स, व्हाट इज दैट। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी में क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, हम अरेंज करते हैं किसी चीज़ को। अब अरेंज कैसे करेंगे, ऑब्वियसली बताया हमें अरेंज करना है तो हम सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करेंगे। तो अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन अ सिस्टमैटिक मैनर टू सॉल्व व्हाट आर डे टू डे प्रॉब्लम्स या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो हमें वहाँ पर वॉर क्राइसिस या कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है हमारी यूनिट के अंदर कहीं भी। तो ये ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी पे असेसर हमारा ये चेक करता है, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी में एक और चीज़ आती है मैनेजिंग। मैनेजिंग व्हाट, सबसे टफ चीज़ जो आज के टाइम पे यूजुअली यूथ या कोई भी इंसान फेस करता है इज मैनेजिंग टाइम, जो हर किसी से नहीं हो पाता है। तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखिए कि हमेशा बियॉन्ड टाइम पंक्चुअलता में रहना है, अगर फौज में जा रहे हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी और इम्पॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी में तीन चीज़ें हमारी चेक होती है, मैनेजिंग। अब मैनेजिंग व्हाट, मैनेजिंग पहले क्या होता है, मैनेजिंग टाइम जो मैंने आपको अभी समझाया। सेकेंड इज मैनेजिंग मैन, वहाँ पर आपको अलग अलग टाइप्स के लाइक सोल्जर्स होंगे, किसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या कैसा रहेगा हमें नहीं पता। तो कुछ ऐसी भी सिचुएशन आएंगी, जैसे आप 20-22 साल के रहेंगे और आपके जो सोल्जर्स हैं जिन ट्रूप्स को आपको लीड करना पड़ेगा वो आपसे बड़े हैं, वो 27-28 ईयर्स के होंगे, तो आपको उतना कॉन्फिडेंट इनफ होना पड़ेगा कि आप कैसे ईजिली सबको एक साथ अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। नाउ द थर्ड क्वालिटी कम इज पावर ऑफ एक्सप्रेशन, वन ऑफ द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो एक SSB एस्पिरेंट जो जाने वाले SSB के लिए उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज इजिली पावर ऑफ एक्सप्रेसिंग, ठीक है, एक्सप्रेसिंग। इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस समथिंग वो आपको ईजिली अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से समझाना आना चाहिए, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स से समझा पाएंगे वहाँ पर तो कैसे आप कमांड कर पाएंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी। तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन, अब ये चीज़ कैसे जनरेट करना है मैं आपको उसका तरीका बताती हूँ। हमारी SSB में कितना भी टाइम हो, फिर वो 1 महीना हो या 2 महीना हो, द डे जैसे ही आपका SSB आपको पता है आ गया है तो स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, ओके। इस न्यूज़पेपर को ना आप प्रॉपर 2-2.5-3 घंटा जितना आपका टाइम लगे उसको पूरा एकदम चाट जाइए, इतना आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते आपको कुछ चीज़ें जो समझ में आएंगी जो आपको न्यूज़पेपर हेल्प करेगा, पहली बात तो आपके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है, ठीक है, जो आपको किस में यूज़ आएगा, GD में यूज़ आएगा, वो क्लियर होंगे, ठीक है। फिर सेकेंड इज आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, आपकी वोकैब अच्छी होगी। अब ये चीज़ें सब अच्छी हो रही है, आपकी वोकैब अच्छी हो रही है, आपका क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स सही तरह से डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो इतना सब एक इंसान के अंदर आ जाता है तो इंसान की सबसे ज़्यादा वीकनेस क्या होती है, वो कॉन्फिडेंट कब फील नहीं कर पाता, जब उसका वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अच्छा नहीं हो। तो जब ये चीज़ें एक इंसान के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ आ जाएंगी तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंट इनफ हो जाएगा, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएगा। तो वहाँ पर पावर ऑफ एक्सप्रेशन का रोल निभाता है वो, ठीक है। नेक्स्ट इज आ सेकेंड मोस्ट फैक्टर, इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज सोशल एडजस्टमेंट। सोशल एडजस्टमेंट में अब आप जाने वाले फौज में, कब क्या कैसे क्राइसिस में आपको रहना पड़ेगा, कब आपकी सिचुएशन आपके कंट्रोल में रहेगी, कब नहीं रहेगी, कब ऐसे आप जैसा घर में गर्म पानी पीते हो वहाँ पर आपको गर्म पानी मिले ना मिले, आप गर्म पानी से नहाते हो क्या भरोसा आपकी पोस्टिंग लद्दाख या कहीं और हो जाए जहाँ पर आपको गर्म पानी मिल जाए, या कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब आपको नहीं मिलेगा।
तो आप कैसे उस सिचुएशन को एडजस्ट कर पाएंगे, आपके ट्रूप के साथ में कैसे अडाप्ट कर पाओगे वो सिचुएशन को, वो इसमें दिखाया जाएगा। फर्स्ट इज सोशल अडैप्टेबिलिटी, जो मैंने आपको अभी समझाया कि आपको आपके ट्रूप्स के साथ में कैसे सोशल अडैप्टेबल होना चाहिए, ठीक है। इसमें असेसर क्या टेस्ट करना चाहता है वो इम्पॉर्टेंट है। असेसर टेस्ट करना चाहता है आपका सोशल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये पहले जो एक असेसर आपके अंदर टेस्ट करना चाहता है। सेकेंड योर एटीट्यूड, एटीट्यूड, ठीक है, एटीट्यूड व्हेन लैक ऑफ रिसोर्सेज, जब आपके पास हो, आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो, आपके पास बहुत कम अमाउंट में रिसोर्सेज अवेलेबल हो, तब आप अपने आप को कैसे संभाल के आप आगे बढ़ते हो वो इस चीज में दिखाया जाएगा। सेकेंड इज कॉपरेशन, कॉपरेशन इज हाउ कॉपरेटिव यू आर, हाउ पार्टिसिपेटिंग यू आर, हाउ कॉन्ट्रीब्यूटिंग यू आर योरसेल्फ, कि जब हम किसी भी क्राइसिस या कहीं भी जाते हैं तो आप कितना अपने तरफ से कॉन्ट्रीब्यूट करते हो, एंड इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कॉन्ट्रीब्यूटिंग, ठीक है। जब आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपको प्रॉब्लम आ जाता है, तो एज एन ऑफिसर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके अंदर अकड़ कि नहीं नहीं मैं हेल्प नहीं लूंगा, ठीक है, आपको हेल्प मांगनी पड़ेगी कभी कभी, एंड डोंट बी अशेम्ड ऑफ दैट, वी ऑल आर ह्यूमंस, तो हमें इतना तो चलता है कि हम किसी से हेल्प ले सके। सो आपको जो तालमेल होता है ना, आपको तालमेल बैठाना पड़ेगा आपके ट्रूप्स के साथ में। अब टेस्ट फॉर व्हाट, टेस्ट फॉर ग्रुप ऑब्जेक्टिव, जो होता है कि आप अपने ग्रुप्स के साथ में कैसे रहते हो। सेकेंड इज फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड अचीविंग, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन एंड अचीविंग, इट्स रिटन ओवर हियर, अदर्स इन अ ग्रुप टू अचीव द ग्रुप गोल्स, फॉर अचीविंग द गोल्स इन अ ग्रुप, आप अपने आप को कैसे अपना कैसा कॉन्ट्रीब्यूशन देते हो, ठीक है, फॉर अचीविंग दैट। टीम प्लेयर, फौज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, इंडिविजुअलिटी कुछ नहीं होता, ठीक है, यूनाइटेड वी फॉल, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, ओके। तो सेकेंड नेम ऑफ आर्मी और एनी डिफेंस फोर्सेज इज यू हैव टू बी इन लाइक, हमें एक मुट्ठी की तरह बंधे रहना है, हमें इधर उधर मतलब बिखरना नहीं है, क्योंकि जैसे हम बिखरना शुरू करते हैं हम गिर जाते हैं, हमने स्कूल में सीखा होगा। तो आर्मी इज ऑल अबाउट वॉट, आर्मी इज ऑल अबाउट टीम वर्क। द थर्ड सब पार्ट इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ रिस्पॉन्सिबल पर्सन वी आर, लाइक हाउ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, हाउ अ पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल इनफ टू फुलफिल हिज और हर ड्यूटी व्हेन ही इज अ चाइल्ड, स्टूडेंट, सिटीजन ऑफ अ कंट्री और वॉट एवर। लाइक हम जैसे स्टूडेंट थे, अभी तक हम स्कूल से पढ़ के, अभी कुछ बच्चे पास आउट होंगे, कुछ कॉलेज में होंगे, समर कुछ प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे दिखता है, जब हमारे एग्जाम्स क्लियर होता है, यानी वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन समथिंग, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो हमें क्या समझ आ रहा है, हमारी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ रिस्पॉन्सिबल पर्सन वी आर। अगर हमें हमारे एग्जाम में निकल जाए तो कुछ पॉइंट पर ऐसा नहीं होता, पेरेंट्स बोलने लग जाते यार तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, तुम थोड़े सीरियस हो जाते, तुम्हारा एग्जाम निकल जाता, वो प्ले करता है इधर, ठीक है। नाउ द थर्ड फैक्टर इज सोशल इफेक्टिवनेस, हाउ इफेक्टिव यू गिव योर इम्प्रेशन टू हुम, और हम हमेशा बोलते हैं ना योर फर्स्ट इम्प्रेशन इज ऑलवेज योर लास्ट इम्प्रेशन, तो आपका पहला जो इम्प्रेशन हो वो बहुत एकदम सही होना चाहिए, बहुत इफेक्टिव तरीके से किसी इंसान पे ऐसा बैठना चाहिए कि वो आपको भूल नहीं पाए, तो वो काम करता है इधर, ठीक है। तो इसका पहला इज इनिशिएटिव, ठीक है, व्हाट डज इनिशिएटिव मींस नाउ, इनिशिएटिव इज हमें जैसे सबको समझ में आता है, इनिशिएटिव मतलब होता है पहल करना किसी चीज़ की, एबिलिटी टू कम फॉरवर्ड टू टेक इनिशिएटिव, कि नहीं मैं करने वाला हूँ या मैं करने वाली हूँ, ठीक है। वहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है कि मैं बैठा हूँ या मैं बैठी हूँ, कोई और आएगा जो मेरा कन्फ्रंट करेगा और मेरे बदले वो जगह लेगा, नहीं, यू आर गोइंग टू बी बिकम एन ऑफिसर, तो वहाँ पर आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, वहाँ पर आप ही सब कुछ हो आपके ट्रूप्स के लिए। एंड नाउ इनिशिएटिव मीन्स टू लीड, बट दैट डज नॉट मीन कि भैया आप लीड ऐसे ले रहे हो कि आप आगे ही चलेगा, आपका ट्रूप पीछे के पीछे बैठा रह गया, ठीक है। तो लीड योर सेल्फ, लीड योर ट्रूप इन अ राइट डायरेक्शन, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज हैविंग फेथ इन योर सेल्फ। अगर जो मैंने आपको समझाया था पावर ऑफ एक्सप्रेशन में, पावर ऑफ एक्सप्रेशन में POE, पावर ऑफ एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया था, न्यूज़पेपर जो आपको हमेशा पढ़ना है, न्यूज़पेपर कैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर देता है। अब वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप कब होगा, जब हमें हमारे फेथ होगा हमारे अंदर, हैव फेथ इन योर ओन एबिलिटीज, और ये फेथ इन योर ओन एबिलिटीज एकदम से तो आएगा नहीं, एबिलिटीज़ को हमें चेक करना पड़ेगा। अब चेक करने से पहले एबिलिटीज़ हमारे अंदर है या नहीं है उसको बिल्डअप करना, तो ये सब बिल्डअप कैसे होगा,
न्यूज़पेपर से, बिना इसके आप कुछ नहीं कर सकते। तो एसएसबी में न्यूज़पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो सेकंड वन वाज सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक क्या आपका ट्रूप या जो भी आप बटालियन लीड करने वाले हो, क्या आपके वो लोग आप पे ट्रस्ट कर पाएंगे? नहीं। तो जैसे इट कनेक्ट्स हैंड इन हैंड, अगर देखो जैसे इट्स वे सिंपलर, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, क्या आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे किसी को, तो उसका धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जनरेट होगा तो फिर क्या होगा, ट्रस्ट बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ट्रस्ट बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, तो फिर जो भी आप अपना जो ट्रूप्स को या सोल्जर्स को आप जो इंस्ट्रक्ट करने वाले हो, वो आपसे बिना बहस करे कुछ भी करके बात मानेगा। वो ये नहीं बोलेगा यार साहब जी सही नहीं बोल रहे हैं, साहब जी गलत बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये इट इज़ ऑल इंटर रिलेटेड। मैंने एक लाइन यूज करी थी आपसे स्टार्टिंग में कि ऑल 15 OLQs आर इंटर रिलेटेड टू विथ ईच अदर, जो हम हमारी डे टू डे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी सिनेरियो सिचुएशंस हम जिससे डील करते हैं। 10th ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी इज स्पीड ऑफ डिसीजन। अब ऐसा मत समझ लेना स्पीड से कि भैया जो डिसीजन हमने जल्दी ले लिया फटाक से, वो डिसीजन होता है स्पीड ऑफ डिसीजन। स्पीड ऑफ डिसीजन ये नहीं होता है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं समझना है कि स्पीड ऑफ डिसीजन मतलब क्विक एंड रिस्पॉन्सिव, हाउ क्विक एंड रिस्पॉन्सिव यू आर। नहीं, टेकिंग एन एप्रोप्रिएट डिसीजन व्हेन सर्कमस्टेंसेस आर नॉट इन टू आर हैंड्स, जब वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल में रहे, ठीक है। उस टाइम पे आपको एक करेक्ट वे में एक डिसीजन लेना होना पड़ेगा। जब यूजुअली हमने बहुत बार सुना होगा न्यूज़पेपर में कि लाइफ और डेथ का सवाल हो रहा है सोल्जर्स का, अभी भी हमारे कुछ 5 जवान है जिनका डेथ हो गया है। तो जब ऐसे कुछ सिचुएशंस आएगी, लाइफ एंड डेथ सिचुएशन, तब हम कैसे डिसीजन लेते हैं, बट इन व्हाट, इन एन एप्रोप्रिएट मैनर। ऐसा नहीं कि सामने से गोलियां चल रही है और हम हमारे सोल्जर को मोटिवेट करके, जो हमने पिछली वाली जो स्लाइड में नहीं, यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस जनरेट करा था अपने आप को एक्सप्रेस करके और फिर ट्रस्ट बिल्डअप करके कि नहीं भाई वहाँ गोलियां चल रही है और मैं तो नहीं मरना चाहता, तुझे जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। योर डिसीजन मस्ट बी एप्रोप्रिएट एंड इन अ इफेक्टिव मैनर वो सोल्जर्स पे हिट करना चाहिए, ठीक है। द 11th क्वालिटी इज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, ठीक है। नाउ वी हैव टू रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न। जो हमने वहां पर एक्सप्रेशन जो हमारे थे, जो हमने एक्सप्रेस किया था अपने आप को, उससे हमने क्या बिल्डअप किया था, कॉन्फिडेंस, ठीक है। उस कॉन्फिडेंस से हमने ट्रस्ट बिल्डअप किया था। और ये सब कब होता है, जब हमारे अंदर काफ़ी अच्छा कौन सा पावर हो, कन्विंसिंग पावर हो, है ना। कन्विंसिंग पावर के बिना ये सब अधूरा है। तो किसी को इन्फ्लुएंस करना, किसी को कन्विंस करना, ये सबसे बड़ा टास्क होता है वहाँ पर, ठीक है। जैसे मैंने आपको पिछले एग्जांपल दिया था कि वहाँ गोलियाँ चल रही वो वाला, तो तब कब काम आता है, ये सारी जो क्वालिटीज़ है हमारी वो तब काम आती है, ठीक है। टू इन्फ्लुएंस अदर्स इन अ ग्रुप, आपको अपने ट्रूप्स को फोर्सफुली किसी काम को करने नहीं देना है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन नहीं देना है कि आप उन्हें ऑर्डर कर रहे हो और वो फोर्सफुली, अपना मन नहीं है उसका, फिर भी वो कर रहा है। यू हैव टू बी दैट मच कन्विंसिंग पावर यू हैव कि नहीं वो कर पाए वो चीज को बिना आपके दबाव में आके। द 12th ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज लाइवलीनेस। अब लाइवलीनेस का मतलब ये जिंदा दिल नहीं है, हम सब जिंदा है, ठीक है। लाइवलीनेस इज हाउ ऑप्टिमिस्टिक यू आर, ठीक है। यू शुड बी काम, केयरफुल, यू शुड इंस्पायर योर टीम। तो वो सब कैसे आएगा, जब तक आपका पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रहेगा, ठीक है। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। आपके फेसेस पे जब भी आप उदास, गुस्सा कुछ भी होते हो, तो वो नहीं दिखाना है, ठीक है। हमने बहुत टाइम, मतलब बहुत बार ऐसा सोचा होगा स्कूल्स में कि जब हमारी मैडम या टीचर कभी भी गुस्से में आती थी, तो हम फटाक से जज कर लेते थे, नहीं यार उनके घर में कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है। तो वो जो आपका ऑफिसर, जो आप जिनके ऑफिसर बनने वाले हो, जो ट्रुप, वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा फटाक से कि नहीं यार आज साहब जी के घर में कुछ हुआ है या आज इनका मूड खराब है। तो वो लाइवलीनेस के अंदर आता है। द 4th एंड द लास्ट फैक्टर ऑफ 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी इज डायनेमिज्म। एंड डायनेमिज्म के अंदर क्या होता है, एसोसिएटेड विथ लिम्स द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द माइंड एंड द बॉडी दोनों, ठीक है। ये दोनों हैंड इन हैंड प्ले करता है। अगर इन दोनों में से या तो माइंड नहीं रहेगा, कोई यूज नहीं है। माइंड मीन्स वॉट,
आपका मेंटल स्टेबिलिटी, योर मेंटल स्टैमिना उसके बाद है, एंड बॉडी. फौज में जब तक आप फिट नहीं रहोगे तो कोई काम है नहीं है, ठीक है. यू हैव टू बी ऑफिसर, आपको कुछ बटालियन को लीड करना है, आपके ट्रूप्स को लीड करना है, तो आपको फिजिकल स्टैमिना होना उतना ही ज़रूरी है. तो इसके अंदर आता है फर्स्ट इज डिटर्मिनेशन. ओके, डिटर्मिनेशन वही अपना जो नॉर्मल लैंग्वेज में आप सब जानते हैं कि दृढ़ निश्चय करना. अब दृढ़ निश्चय क्या, हमने सुना होगा बचपन में, ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू गेट सक्सीडेड, करते रहो जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलती है. तो व्हेन यू पुश योर लिमिट्स, व्हेन यू हैव टू सक्सीड, तो वो पुशिंग योर लिमिट, जब हम अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं बाय व्हाट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स, वो आता है डिटर्मिनेशन में, कि नहीं यार ये इंसान डिटर्मिनेट है इनफ. बहुत टाइम पे हमें बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं फौज नहीं ज्वाइन करनी है, कैसे हो पाएगा, अभी तो तुमसे एक एग्ज़ाम निकला. पर हम किसी चीज़ के साथ कंसिस्टेंट रहने के साथ हम हमारे एफर्ट्स लगाते हैं, कभी कभी हमारे से एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है या कुछ हो जाता है, तो जो हमारे एफर्ट्स है, जो हम हमारे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स कब लगते हैं, हमारी लिमिट को पुश करने के लिए. पुश कब करना है, जब हमें सक्सीड होना है उस चीज़ को, कि नहीं हमें ये करना ही करना है, तब दिस मीन्स वॉट इज डिटर्मिनेशन. ओके, द 14th फैक्टर इज करेज, एंड आर्मी इज ऑल अबाउट करेज, ठीक है. तो एबिलिटी टू राइट, टू थिंक आफ्टर लाइक टेकिंग रिस्क, इट ऑल कम्स अंडर करेज. सेकेंड नेम ऑफ ब्रेवरी जो हम बोलते हैं आर्मी में, साहस, जो इससे पूरे रिलेटेड हो, तो वो होता है करेज. अब इसके अंदर क्या होता है, आर्म फोर्सेज इज ऑल अबाउट वॉट, किसी से ही पूछते हैं तो फोर्स में कौन बंदा जाता है, जिसके अंदर बहुत सारा साहस होता है. तो आर्म फोर्सेज इज ऑल अबाउट वेलर एंड करेज, इसके बिना सब चीज़ अधूरी हो जाती है. आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ है, ठीक है, लेकिन आपके अंदर करेज ही नहीं रहेगा. अगर आपको बोल दिया कि यहाँ से वहाँ आपको जाना है, बहुत सारी फायरिंग, आपको आपकी मौत आगे दिख रही है, लेकिन आपके अंदर वो करेज नहीं रहेगा कि नहीं यार मैं जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, तो फिर कैसे चलेगा. तो करेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है. एंड द लास्ट क्वालिटी इज स्टैमिना. नाउ स्टैमिना इज नॉट ऑलवेज अबाउट योर फिजिकल स्टैमिना, ठीक है. स्टैमिना इज सब डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, योर फिजिकल स्टैमिना एंड योर मेंटल स्टैमिना. ओके, ये दो चीज में सब डिवाइडेड होता है आपका स्टैमिना. फिजिकल स्टैमिना तो हम सब जानते हैं कि हमें इतना फिट रहना है कि कोई कितना ही भगा ले, दौड़ ले, कुछ भी कर ले, तो हम उतने हमारे अंदर उतना स्टैमिना होना चाहिए कि हम बिना थके ये सब कर ले. तो फिजिकल स्टैमिना इज ऑल अबाउट टू बी स्ट्रांग, स्ट्रांग इनफ. वॉट इज मेंटल स्टैमिना? मेंटल स्टैमिना इज अबाउट, वो हमने सुना होगा काफ़ी, बहुत शांत इंसान है, कंट्रोल कर लेता है. तो कंट्रोलिंग ऑफ वॉट? कंट्रोलिंग ऑफ कामनेस, वो कितना काम है उसके, वो कितना उसके अंदर लाइक कंट्रोलिंग कैपेबिलिटी है, हाउ काम पर्सन ही और शी इज. तो जब भी कोई स्ट्रेस या सिचुएशन आ जाती है तो वो कैसे अपने आप को उस चीज़ से कोप अप कर लेता है, दैट इज स्टैमिना. सो थैंक यू, एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी, नॉट लाइक अबाउट. आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वो लाइक वर्ड हमेशा हटा दीजिए. इट्स लाइक जैसी हमारी SSB आती है, वॉट क्वालिटीज हम ऑफिसर बन सकते हैं, तो बन सकते नहीं, हमें बनना ही है. दैट्स वाई वी चूज दिस फील्ड, कि नहीं हमें यहाँ पर बनना है. तो आप लाइक वर्ड हटाइए एंड इट्स ऑफिसर क्वालिटी, एंड स्टार्ट ब्रशिंग अप दीज क्वालिटीज, क्योंकि ये क्वालिटीज़ हम सबके अंदर होती है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी छुप जाती. स्टार्ट ब्रशिंग अप ऑन दैट एंड सून यू विल बी एन ऑफिसर. थैंक यू सो मच.